के हटा के नवोदय बाढ़वासियों ने आक्रोशित होकर पानी की परेशानी के लिए SDM कार्यालय पहुँचे कर प्रशासन की नाकामी के विरोध में मटके फोड़कर नारेबाजी की, साथ ही पानी की समस्या का समाधान निकाले जाने की मांग भी की। आपको बता दें, हटा के नवोदय बाढ़वासियों ने पहले SDM कार्यालय परिसर में मटके फोड़े, फिर तहसीलदार JS कौरव को ज्ञापन सौंपकर पानी के समाधान की मांग की। इसके बाद नगर पालिका पहुंचकर बाढ़ के लोगों ने उग्र प्रदोष प्रदर्शन करते हुए, इस प्रदर्शन में जहां महिलाएं और बच्चे शामिल थे, नगर पालिका में भी मटके फोड़े और पानी के कुप्पे बजाकर नारे लगाते हुए महिलाएं बच्चे एवं पुरुषों ने प्रदर्शन किया। बाढ़वासियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हटा के नवोदय बाढ़वासी और ककराड़ के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर पहले भी कई बार नगर पालिका और SDM को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन जब समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो आज बाढ़वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और पानी की समस्या का जल्द निदान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली इन बाढ़वासियों ने। तस्वीरों में आप देखें किस तरह का यह प्रदर्शन हटा के नवोदय बाढ़वासियों ने नगर पालिका और SDM कार्यालय के बाहर किया। आपको बता दें, हटा के नवोदय बाढ़, ककराड़ व अन्य वार्डों के लोग पिछले लंबे समय से जल संकट की भीषण त्रासदी को झेल रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहा है। न्यूज मीडिया 24 के लिए तमो से विवेक सेन की रिपोर्ट। पाइप लाइन चाहिए और हम लोग का बहुत परेशानी है, इसके बाद समस्या हल नहीं होगी तो परसों बहुत हंगामा होगा, आप लोग की समस्या हल करने पड़ेगी हम लोग, और ना बहुत चकाजाम हो जाएगा, फिर आगे तक रिपोर्ट पहुँचेगी, इसके बाद हम लोग समझ जाना हम लोग की समस्या हल करना। हम लोग रात में दिन भर काम करे, रात भर पानी भरा, वो बच्चे कैसे संभालेंगे, हमारी समस्या तो कोई नहीं देखता है, वोट लेने के लिए हाथ पांव जोड़ लेते हम लोग के और बस वोट ले जाते। नवोदय बाढ़ की पानी की समस्या को लेकर 12-15 साल तो होगा इनकी नगर पालिका को बने, 15 साल हो रहा है नगर पालिका को बने करीब, तो आज क्या तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और टैंकर भेजे जाते हैं, 4-6 टैंकर भेज दिए, 20 को बिल और 20 का बिल बन रहा है, और उन्हीं 4-6 टैंकरों में जो समझो आप लोग के उन्हीं में हो बाढ़ वालों ही में आपस में लड़ाई और मतभेद पैदा हो रहे हैं, तो टैंकरों से तो भैया पानी की व्यवस्था हल होगी नहीं। तो क्या मांग रखी है आपकी, मांग चाहिए पाइप लाइन की चौड़ाई बढ़ाई जाए जो 4-3 इंच की डाली गई है, कनेक्शन है उनमें भी पानी नहीं आ रहा और टैक्स वो बाकायदा दे रहे हैं। नगर पालिका सबसे ज्यादा रूढ़ अटका रही है इस योजना में, सरकार तो चाह रही है कि पानी पहुंचे नवोदय बाढ़ में, लेकिन नगर पालिका में जो बैठे हैं लोग वो नहीं चाह रहे कि नवोदय बाढ़ के अनुसार जो हुआ कि वो बोलते हैं कि PHE वाले जाने, PHE वाले बोलते हैं कि नगर पालिका जाने, तो जनता तो बीच में पिस रही है। नवोदय से बात हुई है और जो प्रभारी CMO यहाँ उनसे भी हम लोगों की बात हुई है, मटका दोनों जगह फोड़े गए हैं, आम पब्लिक ने और खासतौर से हमारी महिलाओं ने जो परेशान है, दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि कल तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी प्रभारी CMO से बात हुई है, उनने कल तक का टाइम मांगा है कि कल बैठ के और आप लोगों की समस्या का हल किया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने आज आंदोलन को स्थगित कर दिया है, यदि कल समस्या का समाधान नहीं होगा तो परसों से पुनः इससे। आज नवोदय वार्ड के करीब 150-200 लोग निवासी यहाँ ज्ञापन लेकर उपस्थित हो गए थे नगर पालिका में, और उनकी मांग थी कि नगर पालिका बिजली का बिल भर के आज ही सप्लाई चालू है, जो असंभव है। इस संबंध में निकाय द्वारा वरिष्ठ कार्यालय अधिकारियों से संपर्क निरंतर पत्राचार किया जा रहा है, आयुक्त महोदय को भी इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्या वजह है जो योजना चालू नहीं हुई? ये योजना 2001 से PHE के द्वारा चलाई जा रही है, जो अभी तक अपूर्ण है, उसके जो घटक थे वो पूर्ण नहीं किए इन्होंने, और जहाँ तक नवोदय वार्ड की लोगों की समस्या है वहाँ इनके द्वारा मुख्य पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने भी करीब 39 लाख रुपया विशेष तौर पर दिए थे कि
गर्मी के पहले इसको चालू किया जाए, जो पीआईटी विभाग द्वारा अभी तक चालू नहीं किया गया है। जो वर्तमान में वहाँ 105 कनेक्शन हैं, कमिश्नर साहब के और कलेक्टर साहब के पिछले दौरे के समय टंकी चालू करवाई गई थी तो मुश्किल से 10-15 नलों में पानी पहुंचा था, पानी पहुंचता ही नहीं है। जो पाइपलाइन उनके द्वारा डाली गई है उसमें ककराई के लिए उसमें 7 चाबी लगी है, 7 चाबी लगाने के बावजूद भी 105 कनेक्शनों में पानी नहीं पहुंच रहा है। अभी जो पूर्णतः बंद है जो सब जल सप्लाई, उसकी क्या मुख्य वजह है? वो पीएचई विभाग द्वारा कनेक्शन का बिल जमा नहीं किया, दोनों कनेक्शन काट दिए गए विद्युत विभाग द्वारा। अब वो चाह रहे हैं कि नगर पालिका जमा करे, इसके दूसरे विभाग के कनेक्शन हैं, नगर पालिका कैसे जमा कर देगी? चूँकि